दोस्तों आईपीएल 2024 के 28वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना लखनऊ सुपर जॉइंट्स की टीम के साथ हुआ और ये मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला गया था। आपको बता दें कि केकेआर को पिछले मैच में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस मुकाबले में केकेआर की टीम ने लखनऊ सुपर जॉइंट्स की टीम को हरा कर अपनी जीत के साथ वापसी कर ली है। हालांकि यहां पर लखनऊ की टीम को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों देखिए, यहां पर कोलकाता की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, जिसके बाद लखनऊ की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट 161 रन बनाए थे, लेकिन केकेआर ने सॉल्ट के 47 बॉल्स में 14 चौकों और 3 छक्कों की मदद से खेली गई नाबाद 89 रन की पारी की मदद से 15.4 ओवर्स में ही 2 विकेट पर 162 रन बनाकर इस मैच को 8 विकेट से अपने नाम कर लिया है। दोस्तों क्योंकि यहाँ पर देखिए फिलिप सॉल्ट और श्रेयस अय्यर की बहुत ही शानदार साझेदारी हमें देखने को मिली। यहाँ पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने 38 गेंदों पर 38 रन बनाकर वो नाबाद रहे। तो वहीं देखिए इस मुकाबले में दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो लखनऊ सुपर जॉइंट्स के लिए यहाँ पर जो है केएल राहुल, आयुष बदोनी और निकोलस पूरन अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। देखिए क्विंटन डीकॉक जो है वैभव अरोड़ा की बॉल का शिकार हुए, 8 गेंदों पर 10 रन बनाकर वो पवेलियन लौटे, जिसके बाद दीपक हुड्डा के साथ राहुल पार्टनरशिप करते हुए दिखाई दिए। यहाँ पर केएल राहुल ने 27 गेंदों में 39 रन बनाए, लेकिन दीपक हुड्डा यहाँ पर अच्छी पारी खेलने में कामयाब नहीं हुए, जिसके बाद आयुष बदोनी मैदान पर आए जिन्होंने 27 गेंदों में 29 रन बनाए। दोस्तों तो वहीं मार्कस स्टोइनिस भी इस मुकाबले में नहीं चले हैं। निकोलस पूरन ने यहाँ पर देखिए 32 बॉल्स में 45 रन की शानदार पारी खेली दोस्तों, और इन्हीं खिलाड़ियों के अच्छी बल्लेबाजी की बदौलत 161 रन का टारगेट लखनऊ सुपर जॉइंट्स की टीम बनाने में कामयाब हुई और 162 रन का टारगेट उन्होंने केकेआर की टीम को सौंपा। तो वहीं दूसरे छोर पर अगर यहां पर बात की जाए केकेआर की गेंदबाजी की तो देखिए लखनऊ को गेंदबाजी कराते हुए यहां पर मिचेल स्टार्क ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है, 28 रन देकर उन्होंने 3 विकेट अपने नाम किए हैं। तो वहीं वैभव अरोड़ा, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती और आंद्रे रसल ने एक एक विकेट अपने नाम किया है, जिसके बाद दोस्तों 162 रन का टारगेट पूरा करने के लिए केकेआर की टीम मैदान पर आई। और यहां पर जो है दो बल्लेबाज बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करते हुए नजर आए, फिलिप सॉल्ट और एक थे श्रेयस अय्यर। दोस्तों यहां पर देखिए ओपनिंग करने के लिए फिलिप सॉल्ट और सुनील नरेन मैदान पर आए थे, लेकिन इस बार सुनील नरेन का बल्ला नहीं चला और 6 गेंदों में 6 रन बनाकर वो पवेलियन लौट गए, जिसके बाद यहां पर आए अंकरेश रघुवंशी जो कि 6 गेंदों पर 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। और उसके बाद मैदान पर आते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान श्रेयस अय्यर, जिन्होंने 38 गेंदों में 38 रन की पारी खेली और वो नाबाद रहे, यानी कि यहां पर फिलिप सॉल्ट और श्रेयस अय्यर की इस पार्टनरशिप ने इस मुकाबले को जीतने में काफी अहम भूमिका निभाई है। तो वहीं यहां पर देखिए गेंदबाजी भी अच्छी हुई, मिचेल स्टार्क ने बढ़िया गेंदबाजी की यहां पर, तो वहीं श्रेयस अय्यर और फिलिप सॉल्ट यहां पर ये तीनों ही खिलाड़ी बहुत ही अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो वहीं यहां पर बात करें लखनऊ सुपर जॉइंट्स की गेंदबाजी की तो देखिए यहां पर लखनऊ की जो बॉलिंग है वो फ्लॉप नजर आई, जैसे कि हमें दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में देखने को मिला था। यहां पर मात्र मोहसिन खान थे जिन्होंने 2 विकेट अपने नाम किए, ना तो यहां पर कृणाल पांड्या विकेट ले पाए ना ही यश ठाकुर। अब देखिए यहां पर मयंक यादव जो लखनऊ की टीम के लिए बहुत ही बढ़िया और तेज गेंदबाज साबित हो रहे थे, लेकिन यहां पर जो है मयंक यादव भी एक बार फिर से खेलते हुए नजर नहीं आए हैं और कहीं ना कहीं लखनऊ की टीम को यह कमी भी खलती हुई नजर आई होगी। दोस्तों और इसी के साथ दोस्तों इस वक्त अगर नजर डाली जाए पॉइंट्स टेबल पर तो देखिए राजस्थान रॉयल्स की टीम और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अपनी टॉप 2 में जगह बरकरार रखे हुए हैं। राजस्थान की टीम टॉप पर बनी हुई है, तो वहीं नंबर 2 पर काबिज है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, जिन्होंने 5 मुकाबले खेलते हुए 4 मुकाबले जीत लिए हैं, 1 मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो वहीं दोनों टीम्स यानी कि राजस्थान और कोलकाता जो कि टॉप 2 में बनी हुई है, दोनों ने एक एक मुकाबला हारा है और इसी के साथ देखिए पॉइंट्स टेबल में दोनों टीम अपनी जीत के सिलसिले के साथ टॉप 2 में बरकरार हैं। वेल फिलहाल खेला जा रहा है यहां पर मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच शानदार मुकाबला दोस्तों, तो इस मुकाबले को कौन सी टीम जीतेगी, क्या मुंबई इंडियंस की टीम लगातार अपनी तीसरी जीत दर्ज करेगी यहां पर या फिर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम यहां पर मुंबई को मात देने में कामयाब रहेगी।